Uh, perhaps many of you are asking about it. Uh, and uh, yes, we'll resume that from the next week, no doubt about it. Do not bother about it. So, if I'm audible, just write in the comments yes, sir, you're audible. So, am I audible, guys? Okay. Uh, so, yeah, it's even... So, uh, how to join the Menti I hope you all are aware how to join it.

टूडे एट सेवन पी एम एंड टुमारो ऑल्सो विल भी हैविंग अ मैं विल रिज्यूम द डेली करंट अफेयर्स क्लासेज फ्राम द नेक्स्ट वीक सो टेंशन नहीं लेने का है हम लोग कहीं नहीं जा रहे हैं नेक्स्ट वीक से डेली करंट अफेयर्स क्लास चलेगी जैसे हो रहा था बीच में बिकॉज ऑफ सम रीजन देर आर सम कैन सी चेंजेस अदरवाइज एवरी थिंग विल भी फाइन ठीक है यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्चुअली इसलिए कि पिछले का सात आठ महीना छः महीना सात महीना आठ महीने का जितना भी करंट अफेयर्स है देखो कोड यहाँ लिखा है सम बड इज आसिंग द कोड थ्री फाइव फोर थ्री नाइन फाइव नाइन फोर दिस इज द कोड Enter the code 35439594 and join it fast. join I am waiting. Yes. There you go. Uh, how to join it? Let me tell you again. यू आर यूजिंग कोई भी आप वेब ब्राउजर चलाते हो जिस पर आप इंटरनेट सर्च करते हो लाइक फॉर एग्जाम्पल को गूगल ओपेरा फायरफॉक्स उस फॉक्स जाना है सो यहाँ देखो कोड लिखा हुआ है थ्री फाइव फोर थ्री नाइन फाइव नाइन फोर इंटर द कोड थ्री फाइव फोर थ्री नाइन फाइव नाइन फोर एंड ज्वाइन इट फास्ट फटाफट ज्वाइन कीजिए देन वी विल मूव ऑन ओके सो अबाउट अबाउट द द डेली करंट अफेयर्स वी विल रिज्यूम फ्रॉम नेक्स्ट वीक ठीक है तो वो नेक्स्ट uh, वीक से रहेगा आपको उसके टेंशन नहीं लेना एंड दीज क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली एक तरह का आपका रिविजन हो जाएगा दिस रिजन दिस विल बी इंपॉर्टेंट फॉर क्लैट एंड एनी अदर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन सो एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर गाइज शेल वी स्टार्ट या मैं वेट करू शुरू करूं या वेट करूं करना क्या है कि आपको कोई भी वेब ब्राउज भी आप गूगलू डब्ल्यू करना है तो आप मेन्टी डॉट कॉम में कोड आपसे एक कोड पूछा जाएगा कोई करने के लिए इट्स तो रिटर्न थ्री फाइव फोर थ्री नाइन फाइव नाइन फोर सो एंटर द कोड थ्री फाइव फोर थ्री नाइन फाइव नाइन फोर एंड ज्वाइन इट फास्ट ओके So I think people have joined it so let's start let's begin the quiz without wasting the time So quiz bina time waste Okay

तो उस पर उसको रिसर्च करने के लिए एक प्रोब मतलब होता है एक ऐसा सैटेलाइट भेजा गया जिसको रिसर्च करने के लिए किस अरबियन कंट्री ने यह सैटेलाइट भेजा है एंड आर ऑप्शंस यस गुड द राइट आंसर इज ए यूनाइटेड अरब इमिरेट्स इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन ये yes, काफी सारे लोगों ने लिखा है इनफैक्ट इट हैज सेंट होप मिशन एंड ऑल सो एज फार एज अरबियन कंट्री इज कंसर्ड जब भी कोई अरब कंट्री की बात हो रही है और अगर आपको सेटेलाइट से रिलेटेड बात पूछा जा रहा है सो प्लीज रिमेंबर इट दैट यू इज एट द टॉप एज फार एज स्पेस टेक्नोलॉजी इज कंसर्न इन अरब कंट्रीज ठीक है कोई भी जब भी अरब कंट्री की बात हो तो आप ये बात याद रखिएगा कि यू का आंसर होना ज्यादा चांस है अगर स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बात हो रही है सो द राइट आंसर इज ए यूनाइटेड अरब इमिरेट्स इज द राइट आंसर टू दिस question. okay, let's move on to the next one. that is question number three. so let's start with question number three. okay, so the question number three says, who has been awarded 2021 nobel prize in literature? very, very important and very, very easy. Yeah. Um, 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 karte ki at least 90% of the students should be right. your options are Abdur raza gurna, sali pradhamon, uh,

Okay, so let's move on to the next one, uh, or I would say the leaderboard. Okay, let's see the leaderboard. So, Jia is, I think, the rank one and fastest, then Ishan Singh, then Sanskriti, then Akshit Reddy, then Ribbit, then Abhinav Kumar, then Ananya Gupta, then Raven, then Garima, then Skids. So, let's move on to the next one. So, those who are watching on app, you should also write something. You also write and answer. Okay, let's move on to the next question. The next is question number 4. So, next question number 4 is in front of you. Wait for a second. Yes, okay. Let's see the next question. Uh, who has been made the new PM of Japan? Actually, this was in the news uh, last year, somewhere on, I would say, October, November. ठीक है इनफैक्ट वहां इलेक्शन भी हुआ था और नए प्राइम मिनिस्टर बनाए गए थे योर ऑप्शन दे सूगा शिजो या बे वे टॉकिंग अबाउट लास्ट ईयर अक्टूबर नवंबर साम राउंड ठीक है सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सो लेट सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन आंसर इट Yes, uh, the right answer is it's a B. Fumio Kishida is the right answer to this question. Uh, I have already told you Shinzo Abe was the prime minister of uh, Japan for a very long time. Then I think somewhere around in 2020 he resigned. Then Yoshihide Suga became the prime minister for one year, almost one year. Then somewhere around last year, October, uh, uh, the new one is Fumio Kishida. So B is the right answer to this question. Please remember his name. It is very, very important. So let's move on. To the next one the question number five so question number five says who won the nobel prize 2021 in medicine medicine or physiology so please do not confuse get confused it is not psychology a psychology is physiology so you have to tell me that uh, who won the nobel prize 2021 in medicine for this and these are your options एंड आई थिंक इट्स ईजी अगर आपने अच्छे से पढ़ाए मैंने पढ़ाया भी है डिटेल में सो यू कैन आंसर इट दीज आर नॉट वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन एंड यस द राइट आंसर एस सी डेविड जूलियस एंड आर्डम बैटापोर्टिन वट इज द रीजन वाई दे गॉट कोई बता सकता है कमेंट्स में लाइव क्लास में कि किस वजह से उनको मिला है फॉर डिस्कवरी ऑफ वॉट और फॉर द रिसर्च ऑफ वॉट क्या चेज़ के रिसर्च करने के लिए या किस कारण से उनको ये अवार्ड मिला है कोई बता सकता है एनी वन एनीम इन द लाइफ चैट आई एम वेटिंग Okay, let's move on to the next one. Okay, the next is question number six. I just wait i think it is showing the leaderboard okay no problem so let's see the leaderboard rank one is jia then ishan singh then akshit reddy then ribbit then raven then raghvendar vedika reshma the fastest then nitin then sanskriti okay uh, let's move on i think i have skipped one question sorry for this let's start with question number six Okay. What is the theme of Dubai Expo 2020? And these are options? Yes, receptor of temperature and touch Yes, good. Bhavya Singh, uh, Agasta Gargi, you all were right. The next is uh, what is the theme of Dubai Expo 2020? And these are options, these four are actually your options, you can see it here. और ये एक्चुअली लास्ट ईयर स्टार्ट हुआ था समवेयर अराउंड आई थिंक अक्टूबर नवंबर और इस साल फरवरी uh, मास तक चला था सो दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हैज लॉन्ग स्पैन फोर फाइव मंथस तीन चार महीना तक चला था यस कनेक्टिंग माइंड क्रिएटिंग द फ्यूचर इज यू कैन से द थीम ऑफ दुबई एक्सपो ट्वेंटी ट्वेंटी लिखा था बट एक्चुअली ये मोस्टली ट्वेंटी ट्वेंटी टू में हुआ बिकॉज आई होप यू आर अवेयर की कोविड वगैरह के रीजन कोविड की वजह से एन ऑल ठीक है ओके लेट्स मूव ऑन टू The next one, we have seen the leaderboard, but okay, let's see again. There are some technical issues, so let's see. After six number question, G I is rank one. Aishan Singh, then Akshit Reddy, fastest, then Ribbit, then Raven, then Nitin, then Sanskriti, Vedika, uzafa Malik, then Reshma, Okay, let's move on to the next one. The question number seven. Oops.

Actually, this time it was played in Kolkata. Who has won it? You have to tell me. Yes, 6 World Cup. Yes, Rohan 717 answer. Yes, Mithali Raja 6 World Cup. Khela. Yes, Shreya has also answered it. Yes. Okay, what is the right answer, guys? Yes, the right answer is a b is FC Goa, that is football club.

So now you all have become very smart. Yes. Uh, let's move on to the next one. Uh, let's see the leaderboard now. Yes. Okay, Shavari will be having more quiz. Yes. So highest is uh, uh, Ishan Singh, then Akshit Reddy, the fastest, then Jia, then Abhinav Kumar, Tanya, Bhavya, Ragvendra, Abhinav, Ribbit, Anushka, Verma. Okay. So let's move on to the next one. That is question number 10 so question number 10 uh, is in front of you india has chosen uh, to be the partner administration for tax inspector without borders tiwb uh, program the tiwb program is a joint initiative of uh, which two international organization tiwb uh, देखो अभी रिसेंटली एक्चुअली सोशलिस्ट में रिलेटेड एक मीटिंग भी हुई थी आई होप यू आर अवेयर मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाई भी था वेट क्लासेस में सो आई होप यू आर अवेयर ऑफ दिस टी आई डब्लू बी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली तो ये कौन सी दो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का इनिशिएटिव है ये इट्स यू एंड डी पी स्टैंड फॉर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड ओ ई सी डी विच स्टैंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट ये सो बी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन ये सेशनलिस्ट में हुआ था ये शिवम वर्मा राइट। The next is question number eleven। So question number eleven says, the iconic Indian superhero Chacha चौधरी has been declared as the mascot of which flagship program? Mascot का मतलब क्या होता है? कोई भी एक animated cartoon या कोई animation जो कि कोई एक चीज़ को कोई एक event को कोई एक sports event हुआ ये कोई एक program को represent करता। That's called as mascot।

द नेक्स्ट वन इज द लीडर वोड लेट सी कौन कौन कहां पे पहुंचे हैं देख लिया जाए यस द रैंक वन फास्टेस्ट इज जिया देन ईशान सिंह देन अक्षित रेड्डी देन राघवेंद्र देन अनुष्का वर्मा देन अभिनव कुमार देन अभिनव तान्या रेशमा और मलिक तो चलो देखते हैं फाइनली लास्ट में कौन बाजी मारता है लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन दैट इज क्वेश्चन नंबर थर्टीन

sitting on the which post or he is the head of which organization anyone yes the right answer is a g satish reddy he is currently the chairman of drdo defense research development organization so the right answer to this question is a is the right answer okay yes okay uh, let's move on to the next one that is question number 14 so question number 14 says yes drdo chief a, yes Sarvastav in fact का कलंका, कलमकारी पेंटिंग गिवन टैग टू स्टेट स्टेट किस state को uh, करपुर कलमकारी पेंटिंग जी आई टैग दिया गया है ये भी काफी ज्यादा लास्ट ईयर बहुत न्यूज में था यस डी आर डी ओ चीफ है बहुत सारे लोगों ने लिखा है जी सतीश शेट्टी डी आर डी ओ चीफ राइट नाव्याल राइट वट इज द राइट आंसर गाइस टू दिस क्वेश्चन Okay, yes, the right answer is it's a C. Tamil Nadu is the right answer to this question. Actually, uh, Karapur uh, Kalamkari painting has been given GI tag to the state of Tamil Nadu. Okay, let's move on to the next one. That is question number 15. So, question number 15 says, ज एडवाइजर टू प्राइम नरेंद्र मोदी फॉर टू ईस ऑन कंट्रेक्ल बेसिस एक्चुअली दिस वॉज इन द्यूज आई थिंक द सेम से और अक्टूबर और नवम्बर तो ये हम लोग इसीलिए रिविजन करा रहे हैं ताकि लास्ट का आपको जो छूट गया या भूल गए उससे रिलेटेड एक्चुअली आप जो है uh, रिविजन हो जाएगा आपका तो आपको बताना इज एन आई एस ऑफिसर एक्चुअली

Uh, was appointed last year as the NHRC chairman, National Human Rights Commission chairman. Last year, I think, February, uh, March, April. So, do not uh, get confused. So, A is the right answer to this question. Let's move on to the next one. Okay, let's see the leaderboard now. So, uh,

किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में सो दिस यू विल फाइंड इन विच स्टेट और यूनियन टेरेटरी और ऑप्शन आर मणिपुर मेघालय नागालैंड अंडमान निकोबार माउंट मेरियट एक जगह है एक माउंटेन पहाड़ी है जिसका नाम बदलकर माउंट मणिपुर कर दिया गया है आपको यह बताना है ये किस राज्य में या किस यूनियन टेरिटरी में है ओ माई गॉड आई वॉज आई वॉज श्योर कि बहुत सारे लोग मणिपुर ऑप्शन करेंगे बट यू हैव टू अंडरस्टैंड इट That is why I have given it, and this is very very important. Uh, the right answer is D. Andaman and Nicobar Island is the right answer to this question. Yes, good, uh, Ishan Singh. actually uh, from Manipur. He was actually imprisoned in Andaman Nicobar, and I think later on he died also there. So that is why uh, it was uh, changed from Mount Harrier to Mount Manipur. Manipur Andaman Nicobar Islands Okay? Yes. Let's move on to the next one. That is question number seventeen. क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन से इज विच हैज बिकम द फर्स्ट मूवी दैट वॉज शॉर्ट इन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहली मूवी जो कि स्पेस में जाके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में शूट की गई योर ऑप्शन आर द चैलेंज मिशन इम्पॉसिबल मिशन स्पेस स्पेस चैलेंज ठीक है रशिया से की गई है कोई बता सकता है आई थिंक यू ऑल शुड बी अवेयर ऑफ दिस वॉट इज द राइट आंसर गाइस

uh, By defeating, yes, uh, the right answer is A. Kolkata night Riders is the right answer to this question. So the right answer is A is the right answer to this question. Okay, chalo चलो uh, chala jaye Let's move on to the leader board now. So कुछ तीन चार पांच लोग हैं जो बार बार लीडर बोर्ड में आ रहे. But let's see अक्षय रेड्डी रैंक वन, fastest Ishan Singh, then ईशान सिंह, then अनुष्का वर्मा, then रेश्मा, then अभिनव कुमार, जिया, रिबित अभिनव शिवम और जैफा मलिक इसके बाद आखिरी बार तीन क्वेश्चन के बाद लीडर बोर्ड दिखाया जाएगा सो लेट्स सी लेट्स मूव ऑन टू द्वेश्चन नंबर recently he was इन for, a former foreign minister of which country? Your options are USA, UK, Australia, France. पॉवेल uh, साहब थे इनका डेथ हो गया है लास्ट uh, ईयर हुआ था एक्चुअली लास्ट ईयर अक्टूबर नवंबर के आसपास की बात हो गई uh, उनका डेथ हुआ था तो आपको ये बताना है कि किस मुल्क के फॉरेन मिनिस्टर थे या, यानी कि विदेश मंत्री थे एक्चुअली इन इज नो यूएसएर मिनिस्टर वी यूज द वर्ड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सो दे यूज द टर्मिनोलॉजी देस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सो ही सोज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट ब्लैक U.S. Secretary of State. Uh, his, his name is Colin Powell. He died last year. Okay? So just remember it. A is the right answer. This is important. What's the important. Okay? Okay. Uh, the next one is question number 20. So let's see the question number 20. Yes Akshat Raj, it's fine. Yes. Your options are who has authored the book titled Actually I Met Them a memoir. Memoir means Atm Katha. राइटिंग अबाउट योर ओन सेल्फ है ना अपनी लाइफ के बारे में लिखना दैट्स कॉल्ड एज मेमोयर सो यू हैव टू टेल मी कि ये किसकी मेमोयर है एंड आर ऑप्शंस अगेन फ्रॉम आई थिंक मोस्टली फ्रॉम सिनेमा इंडस्ट्री पीपल आर फ्रॉम देयर तो आपको बताना है किसकी मेमोयर है लेट्स सी यस एक्चुअली यस इट्स सी गुलजार आई थिंक इज अ वेरी फेमस लिरिसिस्ट है ना uh, एनी की

नाम से एक सोशल नेटवर्किंग साइट या सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है आपको उसका नाम बताना है उन प्रेसिडेंट का नाम बताना उनका क्वेश्चन में ही आंसर छुपा है यहां भी ट्रुथ सोशल सो द राइट आंसर इज ए डोनाल्ड ट्रंप यस ऋषभ दृष्टि नव्य बहुत सारे लोगों ने आंसर किया है द नेक्स्ट

कभी कभी हम लोग बीच बीच में आ, ये सेशन मेंटी को इस रिविजन का लेते रहेंगे संडे को तो होता ही सेवन पी पर बट अदर देन दैट ऑल्सो बिकॉज येस नाउ आई थिंक एग्जामिनेशन इज़ वेरी नियर सो विल भी हैविंग मोर रिविजन सीरीज ऑल्सो ठीक है तो हम लोग का रिविजन सीरीज भी और चलेगा बीच में डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ बीच में ओके सो दिस इज़ ऑल अबाउट टूडेज क्लास थैंक यू एवरी वन थैंक्स फॉर वॉचिंग हैवे नाइस डे सो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एवरी वन सब लाइक बटन प्रेस कर दो थैंक यू एवरी वन थैंक्स फॉर वॉचिंग